सिलेबस है मेरा, मतलब कि उसको मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो आज हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये बताइए कि हम सभी लोग किस देश में रहते हैं, आप बताइए। भारत देश में रहते हैं। भारत में दूसरा क्वेश्चन मेरा, भारत में कानून कौन पारित करता है? और ये बताइए संसद के कितने अंग होते हैं, आप बताइए। तीन अंगों के नाम बताइए। और राष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं? आज हम राष्ट्रपति के बारे में हमारे राष्ट्रपति को मौत है, तो इसमें हमारा राष्ट्रपति जो कोई है राष्ट्रपति को मौत, तो इसमें ये लिखा हुआ है देखो मौत से राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है और राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत किया जाता है और ये संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। जो भी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में नियुक्त होती है और राष्ट्रपति का इस्लाम देश में सर्वोच्च होता है। और हमारा दूसरा डिसीजन पॉइंट है राष्ट्रपति का कार्यकाल। जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, सभी जानते होंगे 5 वर्ष के होते हैं, परंतु उसे इससे पूर्व महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का होता है लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है ना वो सभी प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। जो कानून बनाना लागू करना ये सभी प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। और हमारा तीसरा डिसीजन पॉइंट है राष्ट्रपति की योग्यता। जैसे कि राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, योग्यता के लिए मतलब से वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा है उसका उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 से ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि 35 वर्ष के उसमें चुने जाते हैं और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तभी वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव जा सकता है। और वह किसी सरकारी काम के पद पर ना हो, जब भी अगर किसी सरकारी काम के पद पर ना तो उसे चुनाव नहीं जाएगा। और पांचवा है हमारा कोई पागल या दिवालिया किसी चुनाव, क्योंकि पागल या दिवालिया अगर कोई हुआ तो फिर देश कैसे चलाएगा, ठीक है। देश की योग्यता के लिए ठीक है, देख लिया हूँ। अच्छा है,